अगर आप बाजार से पैक्ड आटा लेकर खाते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं ये आटा आपको डॉक्टर तक ना पहुंचा दे। जी हाँ, ये तब पता चला जब कचहरी से चंद कदमों की दूरी पर एक परचून की दुकान पर मजमा लग गया। पता चला कि यहाँ A1 कंपनी का आटा बिकता है जिसमें प्लास्टिक मिली है। प्लास्टिक मिलने की सूचना मिलते ही वहां पर सनसनी फैल गई, लोगों की आंखें भौचक की रह गईं। तभी खाद्य विभाग की टीम को खबर लगी और वो मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचते ही टीम ने सैंपल भरने शुरू कर दिए और A1 कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। टीम का कहना है कि इसकी रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक ग्राहक ने बताया कि उसने एक दिन पहले ही आटे का कट्टा खरीदा था, जिसके बाद उसने खाना बनाने के लिए आटा गूंदना शुरू किया तो पता चला कि उसमें प्लास्टिक मिली है। आटे को पानी में भिगोने के तुरंत बाद ही वो प्लास्टिक में तब्दील हो गया और रबड़ की तरह खिंचने लगा, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और क्षेत्रीय लोगों का मजमा लगना शुरू हो गया। मौके पर पहुंची टीम ने लोगों को शांत कराया और सैंपल भर कर कार्यवाही का आश्वासन दिया। इसमें जो है प्लास्टिक निकल रहा है आटे में, लेकिन अब ये तभी पता चलेगा जब हम इसको लैब भेज देंगे। हमने इसे सैंपल लिया, सैंपल लेके हम इसे आज ही लखनऊ या गोरखपुर लैब में भेज देंगे और जब वहाँ से उसकी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार जो भी उसमें आता है, जो भी निकलता है एनालिसिस होके, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। कौन सी कंपनी का मैडम ये आटा है? ये A1 कंपनी का है और इनके यहाँ केवल 7 बोरी ही पाई गई है, क्योंकि ये रिटेलर है वहाँ पे भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो भी रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे पार्टी जो वो भी उन पे भी कार्रवाई होगी, तो इसलिए जहाँ से आ रही है जो भी कमी आती है पूरी चेन में जो जो इसमें इन्वॉल्व है कार्रवाई होगी। आज इस तरह से खतरनाक हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तभी कह सकते हैं जब हमारी इसकी रिपोर्ट आएगी। अभी आप कुछ भी नहीं कह सकते कि ये आटा खाने के लिए नहीं है या इस आटे में कुछ भी मिला हुआ है। जब रिपोर्ट आएगी तभी ये डिसाइड होगा कि इसमें क्या है और क्या नहीं।